पाठ पहला होशे नबी दी पुस्तक उसके दस बाप एक तो तीन सत तो अठ अते बारह ऐ तक। इसराइली लोग उस अंगूरी वेल की तरह हैं जो अंगूरा नाल भरी हुई होवे। जिनी उन्हें असीस मिलती है वह उन्हां दी अधिक वेदियां बनाते हैं। जिनी उन्हां दी अधिक फसल पैदा होंदी है वह उन्हें ही अधिक पूजा करन वाले थंब बनाते हैं। जिन्हें लोगों के मन में धोखा है वह अपने पापा कारण दुख सहनगे। परमेश्वर उन्हां दी वेदियां नूं टा देवेगा अते उन्हां दे पवित्र थंब तोड़ देवेगा। ये लोग छेती ही कहेंगे साडा कोई राजा नहीं है क्योंकि असी प्रभु का डर नहीं मानते हाँ। आखिर राजा सानू देवेगा भी की। सामरे का राजा पानी उत्ते तर रहे लकड़ी के सक की तरह कटिया जाएगा। आवन अर्थात बैतेल दिया पूजा दिया थावां जिथे इसराइली पूजा करते हैं नाश किए जाएंगे। उन्होंने वेदियों उत्ते कंडियाली चाड़ियाँ उगन गियां। लोग पहाड़ों नू कहनगे सानू लुका लवो अते पहाड़े नू कहनगे सानू टक लवो। मैं कहा तुसी अपने लिए नवी जमीन वाहो अते उस विच पलाई नू बीजो फिर तुसी उन्हां असीसां दी फसल कटो। जे तुसी मेरी उपासना करन नाल पैदा करोगे ये समा है कि तुसी मेरे वल अर्थात अपने प्रभु वल मुड़ो अते मैं आके तुहाडे उते असीसां दा मीं वरावांगा। ये प्रभु दी बाणी है। पवित्र अंजील संत मती दे अनुसार उसदा दस बाप एक तो सत। उसने अपने बारह चेलियां नूं अपने कोल सद्या अते उन्हां नूं अधिकार दिता कि वह अशुद्ध आत्मावां नूं कढ देण अते हर बीमारी अते हर कमजोरी नूं दूर करके लोकां नूं चंगा करन। बारह रसूलों के नाम ये हैं। पहला शिमाउन जिसनों पतरस आख्या जाता है अते इंद्रियास उसका भरा। जबदी के पुत्र जकूब अते उसका भरा यहूना। फिलिप अते बर्थोलोमी थोमा अते मथी मसूलिया। हलफई का पुत्र जकूब अते थदियूस। शिमोन कनानी अते यहूदा इस्करियोती जिसने येसू नूं दगे नाल फड़ाया सी। येसू ने उन्हां बारह नूं ये हदायतां दे के कल्या गैर यहूदियां दे किसी भी इलाके विच ना जाना अते किसी सामरी शहर विच ना वड़ना सगों इज़राइल दे घराने दियां गवाचियां भेड़ां कोल जाना। राह जांदे ये प्रचार करना स्वर्ग दा राज नेड़े है। ए प्रभु दी पवित्र अंजील है। तेरी महिमा होवे ए मसीहा।